के अंदर सेट चेंज होता था और सर वहां बैठे रहे, कमरे में भी नहीं गए, बस एक दो बार गए, लेकिन वो हर पांच मिनट में आ जाता था तो कहते अरे मेरी कमर तोड़ दी, अरे एक मतलब इतना डांस कराया हमने इनको वहां पर, मेरे को खूब मजे आए, मतलब मेरे को अभी तक आप मेरे को नेक्स्ट टाइम ये बोलेंगे कि भैया वीडियो में सारे काम छोड़ के पहले वीडियो में जाऊंगा। वैसे इस टाइम भी मेरे पास यही था सीन कि मैं पहली बार में ही पहुंच गया था, मैंने सारे काम छोड़ के, मेरे पास सिर्फ मिस कॉल्स आती थी, मिस कॉल में कोई फोन नहीं उठाता था और सिर्फ इनके लिए काम कर रहा था मैं लगातार दो तीन दिन लगातार, मैंने उस पर पूरे तरीके से काम किया है और 36 आवर हमने सिर्फ वहां पे वेन्यू पे काम किया था और पूरी टीम ने, बद्री जी की टीम ने सारे काम, पूरी टीम खड़ी थी वहां पे एक पैर पे सबने काम किया स्पीड से और सर भी इतनी जल्दी पहुंच गए सेट पे, मैंने कहा इतनी जल्दी क्यों ले आए इनको, और सर पहले आके वहां पे बैठ गए। तो मतलब मेरे लिए सारी, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीजें थी हो रही थी उस दिन कि सब कुछ टाइम पे चल रहा था और सब कुछ टाइम पे ओके हो रहा था, लेकिन सर ने बड़ा सपोर्ट किया मेरे को, बाकी खुशियों पर बद्री जी ने और सपोर्ट किया था। तो हमारा भी जो एक्सपीरियंस था ये फर्स्ट टाइम है कि कंप्लीट ज़ेनिथ ग्रुप हैज परफॉर्म इन वन सिंगल सॉन्ग इन भोजपुरी एंड दे हैव आउट परफॉर्म। कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर ज़ेनिथ टीम कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया, एक बार ज़ेनिथ टीम के लिए भी लग ही नहीं रहा था कि वो सिर्फ सॉन्ग में डांस परफॉर्म करने आए हैं, एक एक चीज में वो इन्वॉल्व थे। अब हम लोग के बीच में बहुत ही प्यारी सिंगर इंडस्ट्री की शिल्पी राज आई हुई है, थोड़ा लेट हो गया ठीक है लेकिन कोई बात नहीं, बारिश होता ना ट्रैफिक तो शिल्पी बेटा आपने बहुत ही जबरदस्त काम किया है इस गाने में, तो लग रहा है इस गाने में जो पवन जी के साथ आपने किया, तो आप तो इंडस्ट्री में सबके साथ ही काम करते हैं, लेकिन मजेदार बात क्या है जरा कुछ अगर बता सकते हैं। सबसे पहले सबको मेरा नमस्ते, नमस्ते सर को नमस्ते, और डिफरेंट ये है कि जब भी भैया के साथ काम करते हैं कुछ नया ही होता है और आप लोग देख ही रहे हैं, और मैडम ट्रेंड कर रहे हैं, हाँ ट्रेंड कर रहा है और काफी ये अच्छा गाना है और उम्मीद है जल्दी नंबर वन पे नंबर वन चल रहा है आ गया और बहुत खुशी की बात है आपके रस्ते में आते आते नंबर वन पे हो चुका। थैंक यू और ये सब आप लोग का प्यार है, थैंक यू सो मच। इतना बढ़िया लगा कि मैं, मेरे पास बहुत ज्यादा कोई शब्द नहीं, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, खूब आगे बढ़िए, थैंक यू सो मच। और कोरियोग्राफ किया है हमारी गीता जी ने, गीता जी अगर नजर आ रही है यहाँ पर गीता जी, और टीम जरीद भी आई हुई है हमारी, yes. और बेसिकली हम मोस्टली शोज में भी ज्यादा होते हैं हम, हेलो ऑडियो नहीं आ रही है हमारी, हां जी रिकॉर्ड करेंगे, इतने लोग कैमरा लगा रहे हैं अभी, आप कह रहे थे क्या आप कैमरा नहीं आ रही क्या भैया, मीडिया बॉक्स वहां लगा हुआ है ना, फ्रेंड लगा हुआ है, हां वहां मीडिया बॉक्स लगा हुआ है, देखिए किसको ऑडियो नहीं आ रही, सब माइक की जगह दूसरी ट्यूनिंग बज रही है। मैं सबसे गुजारिश करता हूं और चाहता हूं कि हम सभी कलाकार मिलकर मेहनत करें और अच्छा काम करें ताकि उसको सब लोग तारीफ करें, और थोड़ा सा जहां गलती है उसको सुधार करना बहुत जरूरी है, हम लोग बिल्कुल करेंगे ताकि हमारी भोजपुरी के नाम के आगे पीछे कोई अश्लीलता का शब्द ना लगे, पहचान ना लगे, थैंक यू। रही बात मीडिया की, तो मीडिया को ही जब हम सम्मान नहीं देंगे तो हमारे दिल की आवाज को सुन कौन पाएगा, देख कौन पाएगा, तो सबसे पहले हमको आप ही लोगों को सम्मान देना है, आप लोग सम्मानित हैं, दिल से सम्मानित हैं और हमेशा रहेंगे। रही बात अश्लीलता की, तो शुरू से ही मेरी आदत है कि मैं बहुत कम बोलता हूं, लेकिन ये हमारे सोच के ऊपर है, एक धप्पा सा लग जाना भोजपुरी के लिए, भोजपुरी में अश्लीलता, अश्लीलता कहां नहीं है अगर देखा जाए तो, चाहे कोई भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में अश्लीलता कहां नहीं है, लेकिन बस एक जो भोजपुरी पे ठेपा लगा के ना भोजपुरी में अश्लीलता नहीं, और असली जहां तक रही अश्लीलता की बात,
अगर मान लीजिए हम गलत करते हैं तो हमारा ऑडियंस भगवान है, आप लोग उसको इग्नोर करिए ताकि हम लोग चाह के भी गंदा काम ना कर पाए, अच्छा काम करें जिसको हर कोई देख सके और सुन सके। और जो थोड़ा बहुत गिला सिकवा है ना हमारे भोजपुरी को लेके दूसरे लैंग्वेज में या कहीं चर्चा होता है कि ये है वो है तीसरे लैंग्वेज है, तो ये हमारा सोच और ये हमारा प्रयास जरूर है और रहेगा कि हमारे भोजपुरी को लोग सम्मान की नजर से देखें और सम्मान की नजर से सुने, इसके लिए हम मेहनत करें दिल से। थैंक यू सो मच। और ये मेरा भाई जो मोहब्बत तो बेचा था, देखो हम भैया दिल टूटा वैसे पूछ ले मोहब्बत अब बेचाता तू ही हम करने वाले थे लाल भगड़ा की जगह, लेकिन भाई ने बोला या हम भी एक सलाह दी कि भाई थोड़ा रोना धोना कम करते तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा फनी मूड का गाना लाए मार्केट में और हमारे ऑडियंस इस गाने को एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। थैंक यू मेरा भाई। और मोहब्बत अब बेचाता पार्ट टू भी बहुत जल्दी आप सभी को देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री ने मतलब काफी डेवलपमेंट किया पहले डॉक्टर भिखारी ठाकुर से शुरू करके अभी तक मतलब रेगुलरली प्रोग्रेस में है, लेकिन जो दुनिया की संवाद हम लोग गाने गाते हैं आपके गाने तो बहुत ही कंट्रीय है लोकप्रिय है और आप गाने ऐसे भी गाते हैं जिसको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस, साइलेंस प्लीज, साइलेंस। मैं आपसे ये पहले तो चिड़िया की तरफ से मैं ये थोड़ा सा आपसे और शिल्पी जी से कुछ सुनना भी हम लोग चाहेंगे कि आप अपनी आवाज में हमें कुछ सुनाइए। और दूसरा सवाल इसके साथ ये रहेगा कि जो द्विजाति संवाद में हम लोग गाने गाते हैं इसमें कब तक हम लोग याद रहेंगे? ठीक है ये तो बोलेंगे, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि भोजपुरी ठीक है, मैं बिहार और यूपी बिहार की बात करता हूँ तो मैं मिथिला से आता हूँ ठीक है, और मिथिला में तो हम लोगों ने श्री राम जी को भी गाली सुनाया है जब द्वार से कहीं तो ये तो संस्कार में हम लोगों ने तो मतलब ये जो एक जब पहले जमाने में ये छेका और रोका और ये नहीं होता था तो हम लोग एक लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, मतलब एक मजाक का एक लहजा होता था जिससे एक रस आता था, तो आप जो कह रहे हैं उस रस को खत्म कर दिया जाए तो फिर एक श्रृंगार रस होता है, गाली रस होता है, ये तो पार्ट ऑफ सोसाइटी है, हम उसको टोन डाउन करेंगे जो हम कर रहे हैं। अगर आप सारे काम भोजपुरी को देखेंगे तो देखेंगे किस तरीके से हम लोगों ने लिमिट किया है उस चीजों को और कितने अच्छे, अब पता नहीं आपने लाल दहरा देखा या कि रात भर उन्होंने किस तरीके से, तो ये इंडस्ट्री चेंज करने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं, तो आप अगर सपोर्ट करेंगे, अगर आप जैसे होता है ना कि बुरा और अच्छा हम लोग अच्छे में ज्यादा बात करते हैं क्या भाई जी, तो हम लोग आपकी आवाज में थोड़े सुन ले समझ लिया उसे। और मैंने जैसे पहले ही बोला भैया आपसे आप सभी से मैंने बोला कि देखने का नजरिया जो है ना वो साफ रहना चाहिए तो आपको हर चीज साफ दिखेगा, जैसे आप कोई भी लोकगीत हो या फोक सॉन्ग हो किसी का आंसर अगर आप खोजते चलेंगे या ढूंढेंगे तो फिर सवाल के आंसर तो होगा। हाँ थोड़ा सा क्यों पर्दा में बोल रहा है कि वो जो बात नहीं ज्यादा प्रत्यक्ष कर देता तो उसके लिए ही मैंने बोला कि हम सभी को मेहनत करना है कि प्रत्यक्ष जो है उसको थोड़ा कम किया जाए, दायरे में ही रहे, पर्दे के अंदर रहे और श्रृंगार का मजा लें। गा लेते हैं गाओ किसे तो हम गा देते कौन गाना के बोल आप ही बता दी। अरे घाघरा गाती है मेरे पापा ने जवाब ना है देखो क्या है ना, देखिए क्या है आज सारे गामा का जो भी टीम यहाँ बैठे हैं हम लोग जितने कलाकार हैं आर्टिस्ट हैं आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की दिन है और आज का जो दिन है नंबर वन पे हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं अपने गाने के साथ, पब्लिक का प्यार मिल रहा है, तो आज ना आज रुलाओ रुलाओ मत यार आज से बवाल आज
सिर्फ बवाल होने दो और धूम मचाने दो। आज आज नो सैड बना, आज सैड नहीं चाहता हूँ, आज मैं हंसना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि हम सभी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। गाना रिलीज होते ही पोस्टर गाने का ट्रेंडिंग में आ गया, पहला बार भोजपुरी में। और गाना रिलीज होते ही नंबर वन ट्रेंडिंग में आ गई सबके, सब गाना। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है और जस्ट मनाओ जाए। तो जो गाना रिलीज हुआ है ना, हम लोग इसी के खुशी में आज बैठे हैं और इसी गाने पे हम लोग खुशी मनाते हैं। गाँव टोला कस्बा हिलाल गली गाली, देखा तो के लोगों में मचे खलबली, गाँव टोला कस्बा।